वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम देखने वाले हैं पाठ्य पुस्तक विधि या फिर तू पढ़ विधि, इसे तू पढ़ विधि भी बोल सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट विधि है और ये जो है कमेनियस द्वारा दी गई विधि है। यह अंग्रेजी व्याकरण की विधि थी, किंतु डॉक्टर बेस्ट ने इसका प्रयोग संस्कृत व्याकरण के शिक्षण के लिए किया गया था, तो अतः संस्कृत में इस विधि का जनक डॉक्टर बेस्ट को कहा जाता है। संस्कृत से इस विधि का प्रयोग हिंदी भाषा में हो गया। इस विधि का जो प्रयोग पहले संस्कृत इंग्लिश के लिए थी, तो उसको संस्कृत में डॉक्टर बेस्ट ने किया, उसके बाद में फिर संस्कृत से इसका हिंदी में भी हो गया। इस विधि में अध्यापक पाठ्य पुस्तक के सहयोग से व्याकरणिक पदों को पढ़ते हैं, विद्यार्थी सुनते हैं और फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने का आदेश देते हैं। विद्यार्थी स्वयं पाठ्य पुस्तक से पढ़कर के व्याकरणिक पदों एवं नियमों को अभ्यास करके याद कर लेते हैं। यह विधि रटने पर बहुत अधिक जोर देती है, अतः इसे सुग्गा पद्धति कहते हैं। यह जो विधि है रटने पर अधिक जोर देती है, इसलिए इसे सुग्गा पद्धति भी कहते हैं। इस विधि से विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इससे सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए यह माना जाता है कि इस विधि से व्याकरण का स्वतंत्र शिक्षण अथवा अध्ययन नहीं किया जा सकता। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की शुरुआत इसी विधि से होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।